आई सर, हाँ जी, आप वैसे तो आप बड़े ही खुश हैं साइंटिस्ट बनने के लिए। हाँ, आज बात करेंगे आई सर के बारे में। क्या है ये आई सर, कैसे स्टार्ट किया, इसके अंदर प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस रहता है भैया, कैसे नौकरी मिलती है, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को वो चश्मा लगाना पड़ेगा और पीछे डोरा डाल के बस अब बैठा रहूंगा बूढ़ा बन के। भैया बहुत सुना है हमने, ये साइंटिस्ट लैब के अंदर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, शादी वादी कुछ होती नहीं है, क्या ऐसा होता है, क्या होता है वैसे आई सर, पूरा कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। अब वैसे आई सर हमारे देश का, इंडिया का नया इंडिया है, देश के लिए नहीं एक जन्नत है। अब 2007 के अंदर जब गवर्नमेंट ने सोचा, देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसर्च टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो स्टार्ट किया गया आई सर। हाँ जी, अब हमारे गवर्नमेंट को पता था अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें यूथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं भैया, इसी कोर्स लेकर आओ, जो भी यूथ आ रहा है, जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना शुरू करो भैया, उनको नॉलेज दिलाओ। आज देश के अंदर टोटली 7 आई सर स्टार्ट हो चुके हैं। आई सर का कोर्स करिकुलम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। आई सर के पास आज बहुत अच्छा इंफ्रा है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, फंडिंग है, इनोवेशन है। हाँ जी, और टेक्नोलॉजी में तो क्या ही कहूँ, एकदम कमाल है। अब क्या है कि आई सर, हाँ जी, अब क्या करता है वैसे आई सर क्या करता है, आपके जो लल्लू लाल कॉलेज होते हैं वो क्या करते हैं भैया, वो आपको बुलाते हैं, अब वो आपको 4 साल की डिग्री देंगे, कोई बात नहीं, तुम आओ क्लास में बैठो, पढ़ो, बंक मारो, बस 4 साल की डिग्री हो गई, कोई बात नहीं, बात खत्म, क्लास एकदम। आई सर क्या करता है बेसिकली, अब आई सर का 5 साल का रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है भैया, जिसको BSMS बोलते हैं। आई सर क्या करता है, पहले साल आपको एकदम नॉर्मली पढ़ाएगा भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हाँ जी ठीक है ठीक है। दूसरे साल ही वो क्या करेगा आपको, दूसरे साल आपको अब सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो, हाँ जी आपको पूछ लेगा, अच्छा अच्छा तुमका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं तुम अपना सब्जेक्ट चूज कर लो, हाँ जी तुम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओ, अब वो आपको छोटा सा प्रोजेक्ट दे देगा, अच्छा अच्छा तुम जो है लैब में सीखो भैया, लैब में कैसे काम होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तुम ये करके दिखाओ मेरे को, ये छोटा सा प्रोजेक्ट करो तुम, हाँ जी ये अगर नहीं करेगा कोई बात नहीं, नंबर काट दूंगा तेरे में, हाँ जी नंबर काट दूंगा, ये तेरे को करना ही पड़ेगा, हाँ जी ये मैंडेटरी है करना, हाँ जी बच्चे सोचेगा मैंडेटरी है, कोई बात नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा साल आते ही वो उनको क्या करता है, कोई बात नहीं तेरे को इस बार बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, हाँ जी बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा तेरे को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, हाँ जी तेरे को रिसर्च लैब में करना पड़ेगा, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो हाँ जी ये जो इंस्टीट्यूट है, कोई बात नहीं तेरे को उसके साथ मिलकर करना पड़ेगा, ये रिसर्च लैब है, तेरे को इतने महीने का प्रोग्राम यहाँ पे करना पड़ेगा, तेरे को जूनियर साइंटिस्ट के साथ काम करना भैया, हाँ जी तेरे को असिस्टेंट साइंटिस्ट बना देते हैं, तो यहाँ पे जाके काम कर, हाँ जी तू इस रिसर्च लैब में काम कर, अच्छा अच्छा चौथा साल आती क्या बोलेगा, तूने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, इतने सारे तूने रिसर्च किए हैं, तूने ये पेटेंट लिखा है, अब कोई बात नहीं तेरे को अगर मेरे से LOR चाहिए, हाँ जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तेरे को पेटेंट कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी खोज तू, अब पेटेंट कराएगा तो ही मैं तेरे को LOR दूंगा, हाँ जी अब कोई बात नहीं तू नया ट्रेडमार्क कर, तू तू इस प्रोजेक्ट पे काम कर, हाँ जी तू ये रिसर्च पेपर लेके, तू इतने पेटेंट करा, तू इतने ट्रेडमार्क करा, तू इतने रिसर्च पेपर लेके, हाँ जी तभी मैं तेरे को अच्छा शिष्य मानूंगा, अच्छा स्टूडेंट मानूंगा कि तू पढ़ने वाला बच्चा है, हाँ जी। और 4 साल होते ही, वैसे 5 साल का कोर्स होता नहीं है, 4 साल होते ही क्या बोलता है, आप कोई बात नहीं तू बाहर जाके इस इंस्टीट्यूट में जाके 1 साल की ट्रेनिंग कर गया भैया, हाँ जी। वैसे इनके बहुत भी बाहर भी बहुत सारे कनेक्शंस है, फॉरेन कनेक्शंस है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है, हाँ जी 2 साल बच्चा पास आउट करते ही कोई बात नहीं 6 महीने के लिए तू जा भी उस यूनिवर्सिटी में घूम के आ, देखे देख क्या कैसा पढ़ा रहा है वो, हाँ जी हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे क्या, वो कैसा पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं उधर वाले बच्चों को उधर बुला लेते हैं, जैसे IITs करता है कोई कोई से, IAS करता है, IAST करता है, हाँ इंटर्नशिप के लिए 3 महीने के लिए बाहर भेज देते बच्चों को, हाँ जी भैया तू कैलिफोर्निया जा गया, हाँ जी तू फ्रांस यूरोप अदर कंट्री जा गया, तू अच्छा बच्चे सोचते हैं अच्छा अच्छा बाहर की कंट्री जाएंगे, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वहाँ पे कैसा इनोवेशन है, वहाँ पे कैसा रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, कैसा है उधर, चलो कोई बात नहीं उधर देख के आते हैं, हाँ जी उधर जाते हैं बच्चे, अब घूम के आते हैं उनको समझ भी आता, अच्छा अच्छा ऐसे काम होता है, ऐसा इंडस्ट्री काम करती है, ऐसे लैब होता है, ऐसे
प्लेसमेंट होता है, उनका पोर्टफोलियो डेवलप होता है भैया। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा। हाँ जी, आपको नए नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको नए नए एल्गोरिथम डेवलप करने, आपको ऐप बनाना है, वेबसाइट बनानी, यूआई यूएक्स डिजाइन बनाना। हाँ जी, आपको इंटर्नशिप करनी, आपको ट्रेनिंग करनी, आपको बड़ी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करके आना है भैया, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, इनोवेशन करना है। वैसे ही आईसर वाले बच्चों को कौन रिक्रूट करता है भैया, हाँ जी, इनको कौन सी कंपनियां लेके जाती है। वैसे आईसर वाले बच्चों का क्या होता है, ये बेसिकली रिसर्च करते हैं। हाँ जी, केमिकल पे रिसर्च हो गया, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया। हाँ जी, नई नई वहाँ पे बड़े बड़े कोर्सेस हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, जो भी कोई नया हम इनोवेशन करते हैं उसके लिए हमारे पास होता है, एक होता है पेटेंट। हाँ जी भैया, ये चीज मैंने बनाई है, ये मेरे नाम पे रजिस्टर हो गया, अब इसको कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने आपने सुना होगा, मैकडोनाल्ड ने अपना पेटेंट कर रखा भैया, अपना बर्गर उसका पेटेंट है, उसका उसके जैसा बर्गर कोई नहीं बना सकता, अगर कोई बनाएगा तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। हाँ जी भैया, अब बिस्लेरी ने पेटेंट कर रखा अपने आप को भैया, मैं हूँ बिस्लेरी, मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता, अगर किसी ने बनाया उसको बड़ा पैसा देना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। वैसे मैंने ही कोई प्रोडक्ट बनाया, हाँ जी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, इसका मैंने पेटेंट करा लिया भैया, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको किसी को चाहिए तो मेरे से खरीदना पड़ेगा, और कोई ऐसा नहीं बना सकता। हाँ जी, मेरे को अपना ट्रेडमार्क बनाना पड़ेगा। हाँ जी भैया, मैंने कुछ बनाया उसको मैं ट्रेडमार्क करा लेता हूँ भैया मेरे नाम पे, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उतने साल तक उसको कोई यूज नहीं कर सकता, वो मेरा है, किसी को अगर चाहिए तो उसको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। वैसे ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, आईसर वाले बच्चों को क्या करना पड़ता है भैया, पेटेंट बनाना पड़ेगा तुमको। हाँ जी, तुमको इनोवेशन करके ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा, नया कुछ फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। हाँ जी, लैब के अंदर क्या करते हैं ये, हाँ जी, फॉर्मूला बनाओ तुम, इनोवेशन करो तुम, आरएनडी करो तुम। हाँ जी, अब ये जो आपने देखा होगा एथर के बहुत सारे स्कूटर आ रहे हैं आजकल, स्टेबल स्कूटर। हाँ जी भैया, वो गिरते नहीं है, स्टैंड की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ पे डेवलप होते हैं वो, हाँ जी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, रिसर्च लैब में, इनोवेशन लैब के अंदर। हाँ जी, 4G जब डेवलप किया गया, मोटा फाई ने जब 4G IIT बॉम्बे से खरीदा, कहाँ पे डेवलप हुआ था वो, हाँ जी, वो इनोवेशन लैब के अंदर। हाँ जी, जो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, इनोवेशन सेंटर होते हैं, आरएनडी लैब होता है, अब वहाँ पे होता है। तो बड़ी बड़ी जो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनियाँ होती है, टाटा, महिंद्रा या एरोस्पेस कंपनीज, हाँ जी, जो भी बड़ी बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज होती है, वो आती है, भाई अच्छा अच्छा तूने इतने पेटेंट किए, तूने ये रिसर्च लिखा, तूने ये काम किया, अच्छा तूने ये किया, कोई बात नहीं, मैं तेरे को रख लेता हूँ। हाँ जी, ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनियाँ होती है, हाँ जी भैया, इतना केमिकल, इस केमिकल को लगाने से मैं एकदम सुंदर हो जाऊंगा, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए रिसर्च साइंटिस्ट। हाँ जी, केमिकल के रिसर्च साइंटिस्ट, फिजिक्स के नहीं चाहिए, उनको केमिकल के चाहिए, मेरे को नया नया फॉर्मूला चाहिए, ऐसा फॉर्मूला बना के दो, स्किन पे लगा, स्किन एकदम सुंदर हो जाए। हाँ जी, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लैक्मे हो गई, हाँ जी, फेयर लवली हो गई, ये जितनी भी बड़ी बड़ी है, फेयर एंड हैंडसम कंपनियां हो गई, ऑयल कंपनी जो होगी, भैया ऐसा सुंदर तेल बनाओ, ऐसा परफ्यूम बनाओ, लोग एकदम खुश हो जाए, खुशबू एकदम मस्त आए, तो ये काम कौन करता है, ये आईसर वाले बच्चे तो करते हैं, ये रिसर्च ओरिएंटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है, IISc हो गया, IIT हो गया। हाँ जी, ये और क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास, वैसे तो रिक्रूटमेंट हो जाती है ठीक ठाक, लेकिन जो बच्चे क्या करते हैं, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है इनको, अब तो ये क्या करते हैं, फॉरेन चले जाते हैं भैया। अब जो भी आईसर से बच्चा पढ़ता है, उसके पास इतने ज्यादा पेपर हो जाते हैं, रिसर्च पेपर हो जाते हैं, इनोवेशन हो जाते हैं, अब तो वो क्या करेगा, अब वो बाहर के लिए अप्लाई कर देगा भैया, हाँ जी मेरे को PDoc करना है, मेरे को PhD करना है, और उनके जो एप्लीकेशन है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो आपका बाहर जाने का सपना साकार हो जाता है, इजीली PhD मिल जाता है। आपने Shark Tank में बहुत सुना होगा भैया, आपका R&D क्या है, हाँ जी, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या, आपके पास पेटेंट कितने हैं, ट्रेडमार्क क्या। वैसे तो आज हमारा देश का यूथ भी साइंटिस्ट बनना चाहता है, R&D में बहुत जाना चाहता है, आप कैसे जा सकते हो भैया R&D
के अंदर। वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं कर सकती। नया नया प्रोडक्ट बनाओगे, भैया मेरे को जो है एरोस्पेस पे रिसर्च करना है, मेरे को मिसाइल इंजीनियरिंग, सैटेलाइट, नई नई जो रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये BSMS। वैसे देश के अंदर इंस्टीट्यूट भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे खोले हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, IISER, NISER, IIST, IISC बेंगलोर। अब वैसे तो जे एडवांस में टॉप करने वाले बच्चे भी आजकल तो IISC जा रहे। भैया आप 12th के बाद में कैसे IISER ज्वाइन कर सकते हो? भैया NISER, IISC, CMI, ISI क्या है ये इंस्टीट्यूट, कैसे इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट कैसे होता है, इनके लिए करना क्या पड़ता है, क्या प्रोसेस है, हम NIT ज्वाइन करें, IIT ज्वाइन करें, IISER जाएं, IISC जाएं, या फिर ललूलाल कॉलेजों में जाएं, क्या करें भैया? इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो बहुत बेरोजगार लोग घूम रहे हैं आजकल। हाँ जी, 4 साल की बीते के बाद अब बेरोजगार, हाँ जी बेरोजगार, गवर्नमेंट दे दो हमको कुछ, दे दो खाने के लिए। अब लेकिन हम क्या करें, हम अपनी जॉब कैसे सिक्योर करें भैया? ये नए नए मोबाइल हो गए, ये चिप्स हो गई, इंटरनेट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गई, कौन डेवलप करता है ये? वैसे R&D डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विजन। आप कैसे अपना करियर बनाओगे इसके अंदर? डोंट वरी, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जीरो से लेके लास्ट तक, कैसे क्या होता है भैया R&D के अंदर, क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा कोर्स होता है, कितनी फीस लगती है, कौन सा बेटर है, IIT, IISC, IISER, NISER, ISI, CMI, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यही। इसलिए कोई नहीं आपके टक्कर में, पढ़े हो किस चक्कर में, आज जरूर से जाके आप इनरोल कर सकते हैं।